दिवाली नजदीक आ गई है, इसलिए उसकी शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा है वो दिवाली की खरीदी करने के लिए ही लगाया है, और बहुत अच्छे से मेहनत की है किरण और शबनम ने, और काफी दिन से उनकी मेहनत चल रही थी। तो आज देख रही हूँ हमारी सारी बहनें यहाँ पे स्टार्टअप की तरह अपना स्टॉल लगा के यहाँ पे बनाया हुआ खुद का सामान बेच रही है। बहुत अच्छा लगता है जब महिलाएं ये सारी चीजें करती है, इनको सपोर्ट करना हमारा काम है। इसलिए इन दोनों ने जब मुझे बोला कि हम लोगों को ये प्रोग्राम करना है, तो मैंने कहा मैं जरूर टाइम निकाल के आऊंगी और आपको पूरा सपोर्ट भी करूंगी। तो मैं और योगीराज यहाँ पे इसीलिए आए हैं, और यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उन सारी महिलाओं को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और इन्होंने जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छे से रखा है, इसलिए इनका अभिनंदन भी करती हूँ। धन्यवाद। मैं क्या बोलूँ, उनके लिए जितना भी बोलूंगी तो बहुत कम होगा। और शिजुका आपके लिए कहना चाहती हूँ, भारती क्या चाहिए आपको जाना दोस्तों, मेरे घर जरूर आना, और मैं भारती को इसके लिए केक बना कर रखूंगी। और मैं क्या बोलूँ भारती जी, आपको कैसी पर्सनैलिटी है, और आगे तो मैं सीरियसली बोलना चाहती हूँ, ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी जितनी तारीफ की जाए तथा मैं चार चांद लगाए दोनों वहां किरण जी ने और शबनम जी ने तो चांद लगाए थे, अब चार चांद लगाए, तो ये जोर बात आने वाले दोस्तों। थैंक यू। जाती चावल वंश में आए थे तो वो मिले और आत्मा थे, तो उन्होंने बताया आपके बारे में भी, तो मैंने कहा कि कैसे किरण जी और आप सब साथ में ऐसे इवेंट्स करते हैं, और बहुत ख्वाहिश थे मिलने की, और आज बकायदा मिल रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। एंड किरण जी और शबनम जी ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, हमारा ये है कि ऐसे प्लेटफॉर्म और होने चाहिए, क्योंकि ये हमें एक मौका देता है हम बताएं कि हम घर के अंदर भी कुछ है और बाहर भी कुछ है, और जो फैमिली सपोर्ट करती है उसके ताजा है, फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता। सो वी फील ऑनर एंड प्राउड कि हम आज यहाँ पर बुलाए गए हैं। थैंक यू। नमस्ते, मैं उर्वशी उपाध्याय। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ किरण गोलानी जी एंड शबनम जी से, जो चेजर एक्सप्रेस नेटवर्किंग के ऑर्गेनाइज़र हैं, और ये आज की पूरी इवेंट एग्जीबिशन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। दिवाली बहुत नज़दीक है, त्योहारों का टाइम है, तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना कि शॉपिंग करनी है, ट्रैफिक मुंबई का, ऊपर से हमारे घर के काम, बाहर के काम, बच्चों का वैकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बीच में अगर हमें सबसे अच्छा सॉल्यूशन चाहिए जहाँ एक ही छत के नीचे आपका सारा दिवाली का शॉपिंग हो जाएगा, इतने अमेजिंग स्टॉल्स हैं, होम डेकोर, दिवाली के जो दिए होते हैं, और इतने अमेजिंग अमेजिंग आइडियाज़ हैं, बहुत सुंदर कपड़े, फिर हर मतलब आप सोचो कि क्या चाहिए आपको, बस यहाँ पर सारे आपके सवालों के जवाब हैं। प्रेजेंस दिया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू उर्वशी जी, शी इज़ सुपर टैलेंटेड, super beautiful, but still took out time for me and Shabnam, and more important for women empowerment. So thank you so much, Urvashi. Thank you. Naryastu pujyate ramante tatra devata. ठीक है, और यहाँ पे स्त्रियाँ हैं जो सब कुछ चलाती हैं, है ना, हमारे देश में जिस तरह से कल्चर चला आ रहा है, और आज किरण जी और शबनम जी ये सारी औरतों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी तैयारियां करके, इतनी मेहनत करके आज यहाँ पे सबने इतने सुंदर स्टॉल लगाए हैं और इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आई है, और बहुत अच्छा लगता है
कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैंडमेड है, तो अपना कल्चर भी यहाँ कहीं ना कहीं जीवित रहता है। सबने कुछ ना कुछ जो भी किया है हैंडमेड किया है, तो एक एंटरप्रेन्योर या एक जो हमारी धरोहर है वो भी यहाँ किसी तरह से ज़िंदा रह रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से यहाँ पे सब ऑर्गेनाइज हुआ है। और किरण जी आने वाले समय में, शबनम जी और किरण जी ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स करने वाली हैं, तो मैं इच्छा करूँगी कि सब ये इवेंट्स में आए, देखें और इतना सुंदर माहौल है, इतना कलरफुल माहौल है, इसका लाभ लें। दिस इज आशिमा कुमार सानी। वेल, आई एम अ फैशन ब्लॉगर, अ मॉडल एंड अ एक्टर एज वेल। सो यार, टुडे आई एम हियर और इस इवेंट के बारे में क्या बताऊँ, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एक अंडर वन रूफ देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स। और किरण जी एंड शबनम जी ने ये ऑर्गेनाइज किया है, आई थिंक दे आर डूइंग ट्रिमेंडस जॉब। ऑल वुमेन्स आर वर्किंग, ऑल वुमेन्स आर सपोर्टिंग each and every woman. I mean, this is great job. One must congratulate to both of them and to all the women. So women empowerment, Zindabad. कल ही मिली और आज मैं यहाँ पाया गया आप लोगों को। वैसे आजकल मैं साउथ की फिल्में खूब कर रहा हूँ, तो अभी हाल फिलहाल मेरी एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई है। मुझे भी नहीं आती तमिल तेलुगु, कुछ नहीं आता, मैं यूपी वाला हूँ, लेकिन जोगेश्वरी से हूँ, लेकिन ईस्ट का हूँ और मैं यहीं से हूँ, जोगेश्वरी में यही पैदाइश सब कुछ हुई है। बहरहाल एक तमिल फिल्म मैंने की है, तमिल तेलुगु, तो उसमें ऐसा था, मेरा एक सीन था, मुझे भी नहीं मालूम मुझे क्या है, मैं बाहर कर लेता हूँ, लेकिन मुझे एनर्जी बहुत अच्छी लगी उसकी और यकीनन आपको भी अच्छी लगेगी। तो पहले उसका सार बता दूं, तो उधर हमको बाल्टी भर के एक्टिंग करनी पड़ती, बहुत ओवर एक्टिंग करना पड़ता है कॉमेडी। तो उसमें ऐसा था कि मेरे साथ का मतलब उन्होंने ऐसा बना दिया कि मैं हनुमान हूँ और सीता माँ के पास जाता हूँ और बोलता है हनुमान मैं तुझे रावण के चलने से छुड़ा आया हनुमान। तो अभी वहां कैसे करते हैं हम लोग, वहां नॉर्मल नहीं करते हैं, एबनॉर्मल से करते हैं, कैसे वो करके मैं रुक सक दूंगा। ऐसे तो एग्जीबिशन मैंने अनगिनत अटेंड किया है, लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि ये जोगेश्वरी वेस्ट का एक मार्केट ही अलग है और ऐसा मार्केट है जो शॉपोलिक है, जो शॉपिंग करने में बहुत रुचि रखता है। और चूंकि मैं भी जोगेश्वरी से ही हूँ, तो अपने ही एरिया में, अपने ही आसपास ऐसा कुछ होना तो वो अपने आप में ही बहुत फ़ख्री बात होती है और अच्छा लगता है कि हमको यहाँ वहाँ न जा कर के हम अपने ही घर में, ऐसा लगता है घर में ही घूम रहे, और ये एग्जीबिशन ऐसा लगता है कि अपने घर की हॉल में हो रहा है, सब स्टॉल्स लगे हुए जी। अभी मेरी नेटफ्लिक्स पे फिल्म आएगी, एक फीचर फिल्म है जिसका टाइटल है तोता उड़ मैना उड़, तो वो एक है और उसमें मैं मेन कॉमेडियन हूँ। फिर बाद में मेरी एक सोनी लीव पे वेब सीरीज आ रही है जिसका टाइटल है द पेपर ट्रायल, जिसमें मैं मेन विलन हूँ, पहली बार कॉमेडी से विलन में आ रहा हूँ, वो एक है। और बाकी अभी शक्ति कपूर के साथ मैंने एक ऐड किया जो अभी ऑन एयर हो जाएगा, तो और बाकी अभी एक फीचर फिल्म और करने जा रहा हूँ आयुष्मान खुराना के साथ जी। वो तेलुगु फिल्म है और फिल्म का नाम है पैया और उसमें तमन्ना भाटिया और ये हीरोइन तमन्ना भाटिया। हाँ, साउथ में काफ़ी करता रहता हूँ। चलिए तो नमस्ते सबको, और यहाँ पे आज हमें किरण जी और शबनम जी ने बुलाया है और उनका फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन जो यहाँ पे हुआ है बहुत ही बढ़िया है। मतलब वैसे तो हमेशा खुशी होती है जब हम औरतें साथ में होती हैं, वैसे आज हम पारुल जी, मैं और रेखा राव जी साथ में आए, सो ये एक अलग सी खुशी है कि हम जब साथ में जाते हैं तो हमारे लिए एक मतलब एक बॉन्डिंग हमारी जो है दिखती है। और यहाँ पे जब हम ऐसे एग्जिबिशन में आते हैं, यहाँ पर इतनी औरतें हैं और वो अपने आप को मतलब ना आगे ले जा रही हैं, घर में तो वो आगे हैं, घर संभाल ही रही, लेकिन बाहर भी जब वो आती हैं और अपने अपने जो भी उनकी फील्ड है उसमें आगे बढ़ रही हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि सबके फैमिली सपोर्ट जो है ना वो दिख रहा है, मतलब दिस समथिंग ये दिखा रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और औरतों के लिए आगे ग्रो होने की कोई सीमा ही नहीं है, दे आर लिमिटलेस, दे कैन ग्रो वेर एवर दे वॉन्ट। एंड शबनम जी ने और किरण जी ने इतना अच्छा एग्जीबिशन रखा है कि मैंने
पहली बार देखा होगा आप लोगों ने कि अदरवाइज मैं ऐसे जल्दी जाती हूँ, लेकिन आपकी भाभी ने बहुत शॉपिंग की है। मतलब इतनी शॉपिंग की कि बैग उठाने के लिए मेरे साथ जाए, दो फ्रेंड्स मेरे साथ में हैं। सो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, लोग बड़े खुश हैं। एंड ऐसे तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं सबको मिलाते हैं, सोसाइटी को एक बहुत प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव लिए आगे आते हैं। सो मैं तो बड़ी खुश हूँ, इसके लिए हैप्पी दिवाली आप सब। सच पारुल जी, हाँ जैसा कि आप जानते हैं मैं डोरेमोन में शिजुका की आवाज़ बहुत सालों से दे रही हूँ, और यहाँ पर आकर हर बार किरण जी के पास आकर किरण जी के साथ आके मज़ा आता है, पर इस बार जो शबनम जी ने और किरण जी ने जो मिलकर जो ये दिखाया है उनका, तो मेहनत उनका काम दिख रहा है। सारी लेडीज़ हैं उनके साथ में, फैमिली है, बहुत अच्छे स्टॉल लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, हमने बहुत सारा शॉपिंग की है, बहुत मज़ा आया। और जैसा कि रेखा जी ने सब कुछ बोल ही दिया है, और बस मज़ा आया, काफ़ी अच्छा है। रेखा जी, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए इस तरीके का और कोशिश होना ज़रूरी है सोसाइटी? हाँ जी, देखो कोशिश तो हो रही है और होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सब महिलाएं हैं जो है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। बेसिकली हम सोचते हैं कि जहाँ पर हम हैं हमें पता है, अवेयर हैं, एंड हमारे आसपास जो हैं बहुत सोच अपने बारे सोचते हैं, एम्पावर्ड, ऐसा नहीं है। हमारे दो घरों में होगी, तीसरे घर में नहीं है। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो सबको साथ लाते हैं। और कितने स्टार्टअप्स हैं, मतलब हमें ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा ये हमारा पहला टाइम है, लेकिन पहले टाइम में जो उन्होंने वैराइटीज़ दिखाई हैं अपने प्रोडक्ट की, अमेजिंग, मतलब दिखाता है कि उनकी सोच समझ क्रिएटिविटी क्या है। हैंडमेड प्रोडक्ट, एक जो रेजिन का कुछ नया कंसेप्ट है जो सुना है हमने, लेकिन आज देख रहे हैं, और उसको हमने कहा हम कस्टमाइज़ करवाएंगे आपसे दिवाली के लिए, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं और दे आर रीजनेबल। मतलब यही चीज़ें आप जब बाहर लेते हो तो बहुत महंगी मिलती है, मतलब 300-500 की रेंज में अगर जाओगे बाहर तो आपको 1500 से कम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम शॉपिंग करते रहते हैं। सो मैं तो सोच रखा है जब मेरी बेटी लंदन से आएगी दिसंबर में, उसके लिए हम यहाँ से ऐसे जो हमने कार्ड लिए हैं उनको और ऑर्डर देके मंगाने वाले हैं, और हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे पैसे कम खर्च हो रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें सस्ते में मिल रही है हमें, सस्ते में और वैरायटी मिल रही है यहाँ पर, क्लोथ से लेकर ज्वेलरी और बैग्स, मंडाला आर्ट देखा जो बहुत ही सुपर था, बहुत बहुत सारी मतलब हैंडमेड कैंडल्स, बहुत कुछ था, एक ही जगह पर इतनी सारी वैरायटीज हमने देखी, बहुत कुछ था, मज़ा आया, बहुत अच्छा था। और उनके पास जो प्रोडक्ट हैं जो बताया, एक मिले हम नाज में चूरन प्रोडक्ट यूज़ किया बेसिकली, तो ये सब घर के बने हुए हैं, और क्या चाहिए आपको, और आपको अपने बीच में पाके आप उनके, हाँ वो तो है, वो तो खुश हो जाएंगे, मैं भी देखो ना इतना है, हम भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, क्योंकि दिवाली का सीज़न है, शॉपिंग तो हमने भी खूब की है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाओ ना यहाँ से, तो अपनी बीवियों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है वो प्लीज़ ले जाइए, क्योंकि बड़े खुश होंगे, और जिनकी नहीं हुई गर्लफ्रेंड्स डेफिनेटली होंगी, आप ले जाइए, नहीं तो अपनी बहनों के ले जाइए। बट प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, रीजनेबल हैं, क्वालिटी है और वैरायटी है, और किरण जी और शबनम जी की बहुत बड़ी मेहनत बहुत दिख रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।